बस एक सनम चाहिए और तुझे देखा तो ये जाना सनम जैसे कई सुपरहिट गाने देने वाले कुमार सानू के दुनिया भर में फैंस हैं। कुमार सानू ने हजारों गाने गाए हैं, हर कोई उनके रोमांटिक गानों को पसंद करता है। कुमार सानू कई रियलिटी शोज में अपने पुराने किस्से सुनाते हुए भी नजर आए हैं, लेकिन उनकी लाइफ का सबसे डरावना किस्सा भी एक बार उन्होंने बताया था। 23 सितंबर 1957 को कोलकाता में जन्मे कुमार सानू ने 1983 में पहला गाना रिकॉर्ड किया था। 1990 में आशिकी से कुमार सानू ने बॉलीवुड में धूम मचा दी थी। कुमार सानू ने अपने लाइफ के कई किस्से सुनाए, उनमें से एक सबसे भयानक था। कुमार सानू एक बार द कपिल शर्मा शो में पहुंचे और यहां उन्होंने अपनी लाइफ का एक भयानक किस्सा सुनाया। सानू ने बताया कि एक बार वो पटना लाइव शो करने पहुंचे, वहां उन्होंने कुछ नए गाने गाए जो लोगों को खूब पसंद आए। उनके गानों पर खूब तालियां और सीटियां बजती, लेकिन कुमार सानू ने ध्यान दिया कि बीच बीच में बंदूकों से फायरिंग की आवाज भी आ रही है। कुछ देर बाद उनकी नजर सामने बैठे कुछ लोगों पर पड़ी जिनके पास एक 47 राइफल थी। किसी ने बाद में कुमार सानू को कहा कि उन लोगों को जो गाना पसंद आ रहा है उस पर एक फायर कर देते हैं। जब कुमार सानू ने उन पर देखा तो टेंट में 6 से 7 छेद हो गए थे। कुमार सानू ने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं दुनिया भुला दूंगा गाना गाया। जैसे ही दूसरा गाना शुरू किया तो एक आदमी चिल्लाते हुए आया कि ये गाना किसने बंद किया। कुमार सानू ने बंदूक के डर से गा दिया फिर से दूसरा गाना। शुरू किया तो वे लोग फायरिंग करते रहे और कहते रहे कि फिर वही गाना गाओ। ऐसे करीब उन लोगों ने 16 बार किया और सुबह के 5 बजे लेकिन गोलियां चलना बंद नहीं हुई। इसके बाद कुमार सानू ने कान पकड़ लिए और अपनी जान बचाकर वहां से निकल गए। जी हां, कुमार सानू ने 1991 से लेकर साल 2005 तक 293 गाने गाए और सभी हिट रहे, जिसमें दिल है कि मानता नहीं, साजन, साथी, फूल और कांटे, सड़क, दीवाना, सपने साजन के, दामिनी, हम है राही प्यार के, दिलवाले, साजन का घर, आतिश, बरसात, अग्नि साक्षी, सिर्फ तुम, धड़कन, ये दिल आशिकाना जैसी फिल्मों के लिए बैक टू बैक सैकड़ों सुपरहिट फिल्मों के लिए गाने शामिल हैं। कुमार सानू ने हिंदी के अलावा बंगाली, उर्दू, तमिल, पंजाबी, उड़िया, मलयालम, तेलुगु, मणिपुरी, गुजराती, असमी, नेपाली, मराठी जैसी कई भाषाओं में गाने गाए हैं। कुमार सानू अपने समय के सबसे दिग्गज सिंगर्स में से एक रहे हैं। उन्होंने अक्सर रियलिटी शोज के दौरान अपने लाइफ के कई अनूठे किस्से सुनाए हैं और लोगों ने उनकी इन कहानियों को खूब चाव से सुना है। तो वही ये कहानी थी कुमार सानू की लाइफ की सबसे डरावनी कहानी। उसके बाद वो कभी पटना लाइव शो करने नहीं गए। वेल, आपको कुमार सानू की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं। और ऐसी ही मोर इंटरेस्टिंग न्यूज स्टोरीज अपडेट के लिए हमारे चैनल मायापुरी कट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।